वेलकम टू द किल बिल पांडे शो 2.0। फ्रेंड्स, कल पुष्पा का ट्रेलर आने वाला था जिसमें कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका, सुनील जो कॉमेडियन है एंड फहद फासिल सब हमको साथ में दिखने वाले हैं। किन्हीं कारणों से कल नहीं आ पाया एंड कल रात को बहुत देर से जो साउथ वाले लैंग्वेजेस हैं उनका ट्रेलर रिलीज हुआ, लेकिन हिंदी वाला नहीं हो पाया, शायद बहुत देर हो गया था। तो आज अभी कुछ ही मिनट्स पहले ये पुष्पा का हिंदी डब्ड मूवी का ट्रेलर आया है एंड ये आया है गोलमाइन पे। तो आइए फ्रेंड्स, ये ट्रेलर देखते हैं, इस पर रिएक्शन देते हैं। आइए फ्रेंड्स, गोलमाइन। पूरी धरती पे ये पेड़ सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। शेषाचलम जंगल में हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना जो धरती पर उगता है। प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। ये अल्लू अर्जुन, बाप रे, रश्मिका। अच्छा लगा ना मैं लपर। मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है। में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दी है और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पा, पुष्पा राज, वह झुकेगा नहीं सब। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पार्टी कब देगा भाई? मास पार्टी बिगिन 17 दिसंबर। ओहो फ्रेंड्स, क्या ट्रेलर था सच में। कल एक्चुअली मैंने तेलुगु में देखा था एंड बहुत लोग बहुत एक्चुअली वेट कर रहे होंगे हिंदी वाला देखने का, जिनको तेलुगु समझ नहीं आता है। तेलुगु में जैसा अच्छा डायलॉग्स है, हिंदी में भी वैसे ही अच्छा भारी डायलॉग सब लिखा गया है। बहुत अच्छा काम हुआ है एंड अल्लू अर्जुन को देख के तो सच में घूस बम्स आ रहा था। उनका लुक एंड उनका एक्टिंग जो था, बाप रे, पहचान में नहीं आ रहे थे। पूरा कर्ली हेयर, लंबा हेयर एंड टैन किया गया उनको एंड फिर उसके बाद उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा ऐसा करके चल रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है उनको कंधे पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से निभाए भी है इसको। एक्टिंग एंड डायलॉग बाजी तो मस्त था। उनका एक्सप्रेशंस, आँख से ही बात कर रहे थे वो सारा सच में। एंड उनको छोड़ के फहद फासिल शायद मेन विलन है, उनको ठीक से दिखाया नहीं गया अभी तक, रखा गया उनको मूवी के लिए। एंड बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं, रश्मिका है, फिर उसके बाद सुनील कॉमेडियन है जो इसमें विलेन का रोल कर रहा है भाई। वो आजकल अलग रोल्स भी करते हैं एंड बहुत अच्छा कर रहा है आजकल। एंड बहुत मजा आया फ्रेंड। वो ट्रेलर ऐसा था कि बहुत कुछ दिखाए भी एंड नहीं भी, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया स्टोरी के बारे में। बस ये पता है कि रेड सैंडलवुड से रिलेटेड स्टोरी है, उसका जो स्मगलिंग होता है उससे रिलेटेड है एंड बहुत लोग इसमें मिले हुए हैं एंड अल्लू अर्जुन भी उसी का कुछ पार्ट है, उसी में से पैसा कमाने का कोशिश कर रहा है।
तो एंड फिर उसके बाद एक और बात हम जरूर बोलना चाहेंगे सुकुमार जी के बारे में, जो इस मूवी के डायरेक्टर है, बहुत अच्छा है। मतलब उनका काम पहले का मैंने देखा है एक दो मूवी, बहुत अच्छा है उनका, उनका राइटिंग भी एंड डायरेक्शन भी बहुत अच्छा अलग रहता है, तो ये मूवी इसलिए देखने का मन है मुझे। तो फ्रेंड्स ट्रेलर तो एकदम धमाका लगा है मुझे एंड बहुत मजा आया सच में। आप बताइएगा आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड हमारा रिएक्शन कैसा लगा, एंड फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।